नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कार में बैठने के बाद, बस में बैठने के बाद, ट्रेन में बैठने के बाद या बोट में बैठने के बाद उल्टी सी आती है या उल्टी हो जाती है, तो आज मैं आपको मोशन सिकनेस के बारे में बताऊंगा और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी बहुत ज़्यादा आजकल सफ़र करते हैं, पहले इतना नहीं किया करते थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। सफ़र हम करते हैं कार में, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज़ में और कभी कभी बोट में सफ़र करते हैं दोस्तों किसी किसी को सफ़र के दौरान ही उनको उल्टी सी आने लगती है, मितली सी आने लगती है, उल्टी ऐसी महसूस होने लगती है, फिर बाद में उल्टी भी आ जाती है। तो आपने बहुत देखा होगा दोस्तों, आप जब ट्रेन में या बस में बैठते हैं, बस में सफ़र करते हैं, तो कई लोग, आसपास के लोग खिड़की खोल के उल्टी करते हुए दिख जाएंगे या उनको उल्टी जैसी लगने लगेगी, वो खिड़की की तरफ जाने लगते हैं। तो उल्टी की प्रॉब्लम जो है वो सफ़र के दौरान बहुत सारे लोगों को होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये मोशन सिकनेस, ट्रेवल सिकनेस भी आपको बोल सकते हैं, कई लोग कार सिकनेस भी बोलते हैं दोस्तों। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में काइनेटोसिस भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये होता क्यों है, कॉजेज क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसकी मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। मोशन सिकनेस के कॉजेज जो है वो अननोन है, एक थ्योरी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। एक्चुअली में दोस्तों, हमारे दिमाग में एक एरिया होता है जिसको हम पोस्ट्रेमा बोलते हैं, और पोस्ट्रेमा एरिया, अगर हम कभी जहर पी लेते हैं या हम पॉइजन पी लेते हैं, तो पॉइजन पीने के बाद हमारे दिमाग में एक सेंसेशन जाता है कि हमने पॉइजन पिया हुआ है, और वो पोस्ट्रेमा एरिया हमें उल्टी करा देता है, मतलब हमारे जहर जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जब हम कभी कार में चलते हैं, कार में ऐसे सामने जब हम देखते हैं, तो हमें कांच के आगे से क्या दिखता है, चलती हुई चीज़ें दिखती हैं। और उसके बाद दोस्तों, कान हमें बताता है कि हम चल रहे हैं। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम बस में बैठे हुए हैं या हम कार में बैठे हुए हैं, तो हम नीचे देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं, तो हमारी आंखें ये हमें बताती हैं कि हम नहीं चल रहे हैं, हम स्थिर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे कान जो है वो मोशन को समझते हैं, मतलब उनको लगता है कि हम चल रहे हैं, लेकिन आंखें जो है हम ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं या सिर्फ कार के अंदर ही देख रहे हैं, बाहर नहीं देख रहे हैं, तो हमारी आंखें भ्रमित हो जाती हैं कि हम सीधा बैठे हुए हैं चुपचाप और हम कहीं नहीं चल रहे हैं। लेकिन कान जो है वो भ्रमित नहीं होते हैं, उनको लगता है कि हम मोशन में हैं, हम चल रहे हैं और कार जो है वो चलती रहती है। दोस्तों, कान जो है वो ब्रेन को बताते हैं कि हम चल रहे हैं, लेकिन जो आंखें हैं वो बताती हैं कि हम बैठे हुए हैं, हम रेस्ट की कंडीशन में हैं। इसी असमंजस में ब्रेन रहता है, हमारा दिमाग असमंजस में चला जाता है, और इसी असमंजस में दिमाग को ऐसा लगता है कि हमने कुछ टॉक्सिन मटेरियल पी लिया है, कुछ ऐसा पी लिया है जिसके कारण हम हेलोसिनेशन हमें हो रहा है, मतलब कुछ भ्रमित हो रहे हैं हम। तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि हम भ्रमित हो रहे हैं, और ब्रेन को ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ ऐसा पी लिया है, कुछ गांजा, कुछ शराब या कुछ टॉक्सिन मटेरियल पी लिया है, जिसके कारण हम भ्रमित हो रहे हैं। और इसी कारण ब्रेन जो है वो सेंसेशन भेजता है हमारे स्टमक में, हमारे पेट में, और पेट को बताता है कि भाई साहब जो हैं वो कुछ शराब या कुछ ऐसा पी लिए हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक है, और आप तुरंत उल्टी करा दो, और हमारा पेट जो है वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमें तुरंत उल्टी हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कार सिकनेस क्यों होता है, और ये सिर्फ कुछ लोगों को होता है और कुछ लोगों को नहीं होता है। सभी लोगों को कार सिकनेस नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को ये कार सिकनेस होता है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही थ्योरी है, और इसी कारण से कार सिकनेस होता है दोस्तों। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। चलते हैं कि क्या आपको महसूस होगा, क्या साइन एंड सिम्टम्स, क्या लक्षण आपको महसूस होंगे। तो सबसे पहले, अगर आपको कार सिकनेस है, तो आपको पता होगा कि हम जब कार में बैठेंगे तो हमें उल्टी आनी है, हमें मितली आनी है। तो उल्टी आती है और मितली आती है, मतलब नौजिया होता है, उल्टी जैसा सेंसेशन होता है, उल्टी जैसा लगता है, और फिर उल्टी आ जाती है। उल्टी आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा डिजीनेस, मतलब कमज़ोरी सी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होती है। अगर ज़्यादा हमें उल्टी आ जाए तो हम पूरी तरीके से वीकनेस, मतलब थक जाते हैं, बहुत सुस्त हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो तो हमें चक्कर भी मार सकता है और हम बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ आपको हेडेक भी हो सकता है, मतलब आपको सर दर्द, सर में भारीपन भी लग सकता है उल्टी आने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से आपको सर में भारीपन भी लग सकता है, बीपी लो भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण है, लेकिन मोस्टली जो है मोशन सिकनेस में उल्टी आना
और मितली लगना मतलब वोमिटिंग और नौजिया मेन लक्षण है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन सिकनेस क्या होता है। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो ये है कॉकुलस इंडिकस और मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर लगा देता हूँ तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। कॉकुलस इंडिकस दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ट्रेवल सिकनेस के लिए, मोशन सिकनेस के लिए या कार सिकनेस के लिए। किसी भी तरह के आप वाहन में अगर आप ट्रेवल करते हैं, आप सफ़र करते हैं और आपको उल्टी सी आती है तो कॉकुलस इंडिकस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं कॉकुलस इंडिकस के, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसके डोजेस कैसे आपको यूज़ करनी है अगर आपको कार सिकनेस, मोशन सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस है। तो दोस्तों सबसे पहला लक्षण है कॉकुलस इंडिकस का कि अगर आप कार में ट्रैवल करते हैं या आप बस में जाते हैं या आप ट्रेन में जाते हैं तो आपको मितली सी आने लगेगी, मतलब आपको नौजिया होगी कार में बैठने में या कार जब चलती है तो उसके दौरान आपको नौजिया मतलब मितली सी आएगी दोस्तों। दोस्तों अगर आप उस दौरान कार में बैठे बैठे जब कार चल रही है और आपको मितली सी आ रही है उस दौरान आप कोको कोला या कुछ ऐसा ठंडा पी लेते हैं तो आपको और ज़्यादा वोमिटिंग सी होने लगेगी दोस्तों। फिर आपको मितली आने के बाद आपको उल्टी ही हो जाएगी और उल्टी खूब सारी उल्टी होगी, बहुत ज़्यादा आपको उल्टी होगी कार में बैठने के दौरान और जब कार चल रही हो तो आप कार को खोलेंगे या बस को रोकेंगे और उसके बाद खूब सारी उल्टी होगी और उसके बाद आपको बेहोशी सी होने लगेगी दोस्तों। दोस्तों कॉकुलस इंडिकस का जो पेशेंट होता है उसको खाने से बहुत ज़्यादा घृणा हो जाती है, मतलब जैसे खाना आएगा और खाना जैसे खाएगा वैसे ही उसको उल्टी हो जाती है और खाने की सुगंध सूंघने से भी उल्टी हो जाती है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है कभी भी, मतलब आपको खाने से घृणा हो जाती है और खाने के सुगंध से आपको अगर उल्टी हो जाती है, नौजिया होने लगती है, उल्टी जैसी मितली सी आने लगती है तो कॉकुलस इंडिकस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। कॉकुलस इंडिकस का जो पेशेंट होता है वो तम्बाकू से बहुत ज़्यादा घृणा करता है। अगर उसके सामने कोई सिगरेट पी रहा है बाई चांस, अगर बस में अगर ड्राइवर ने सिगरेट पी या कंडक्टर ने सिगरेट पी या बगल वाले ने किसी ने सिगरेट या बीड़ी नॉर्मली आजकल पीते हैं लोग, तो अगर पी और बगल में कोई कॉकुलस इंडिकस का पेशेंट बैठा हुआ है और जिसको कार सिकनेस भी है तो उसको तुरंत उल्टी आ जाएगी, मतलब उसको टैबैको तम्बाकू से बहुत ज़्यादा घृणा होती है दोस्तों। और दोस्तों लास्ट में कॉकुलस इंडिकस सी सिकनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप लोगों में से किसी ने समुद्र में सफ़र किया हो तो सी सिकनेस के बारे में वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। अगर हम समुद्र में जहाज के थ्रू अगर सफ़र करते हैं तो हमें उल्टी सी आने लगती है, अगर पहली बार सफ़र करते हैं तो हमें उल्टी सी महसूस होने लगती है, फिर उल्टी बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाती है, हमें चक्कर सा मार देता है और पूरा जो घूमने लगता है वर्टाइगो चक्कर से मारने लगते हैं, तो इसको हम सी सिकनेस बोलते हैं। और कॉकुलस इंडिकस जो मेडिसिन है वो सी सिकनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दोस्तों ये थे कॉकुलस इंडिकस के लक्षण मतलब सिम्टम्स। अब चलते हैं कि कॉकुलस इंडिकस आपको लेना कैसे है, आप कैसे यूज़ करें कॉकुलस इंडिकस को, अगर आपको ट्रैवल सिकनेस है या आपको सी सिकनेस है तो आप कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों अगर आपको कार में बैठने में उल्टी हो जाती है या कार में बैठने में आपको मितली सी महसूस होती है या कार में बैठने में आपका सिर भारीपन होने लगता है तो आप कार में बैठने से पहले जस्ट पहले, जैसे आप जैसे बाहर जा रहे हैं या आप, मैं अगर बिरसिंहपुर में हूँ और मैं अगर जबलपुर जा रहा हूँ और मुझे ये कार सिकनेस है तो मैं कार में बैठने से पहले कॉकुलस इंडिकस को दो बूंद आप ठेठी पोटेंसी में रखिए। सबसे पहले तो कॉकुलस इंडिकस आपको ठेठी पोटेंसी में लेनी है, ठेठी CH में लीजिए और हो सके तो जर्मन की लें, बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। अगर नहीं मिले तो WSI या SBL की लें तो वो भी इफेक्टिव है। SBL, WSI या डॉक्टर रेकवेक जर्मन की कॉकुलस इंडिकस ठेठी लें। जब आप कार में बैठने से पहले आपको सिर्फ कॉकुलस इंडिकस को ऐसे खोलना है और दो बूंद डायरेक्ट जीभ में टपका लेना है, सिर्फ इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। और उसके बाद आप कार में बैठें, उसके बाद आप ट्रेन में बैठें, कहीं भी सफ़र करने जाएं तो आप सिर्फ दो बूंद सफ़र करने से पहले दो बूंद आप जीभ में डायरेक्ट कॉकुलस इंडिकस टपका लें, आपको सफ़र करने के दौरान कभी भी उल्टी नहीं होगी। अगर आपको ट्रैवल सिकनेस होती है तो आप अपने बैग में कॉकुलस इंडिकस को लेके जा सकते हैं। अगर सफ़र करने के दौरान बीच में आपको उल्टी सी महसूस होती है तो आप कॉकुलस इंडिकस उस समय भी दो बूंद डायरेक्ट ले सकते हैं। मतलब अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ जबलपुर में और बीच में मुझे उमरिया या कटनी के बीच में मुझे उल्टी सी महसूस होगी
तो मैं दोस्तों कॉकुलस इंडिकस को दो बूंद डायरेक्ट टंग में टपका लूंगा और उसके बाद मुझे उल्टी आना बंद हो जाएगी और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगा। अगर आपको हेडेक होता है तो उस दौरान भी आप कॉकुलस इंडिकस ले सकते हैं, दो बूंद आपको डायरेक्ट टंग में टपका लेना है। अगर आपको ट्रेवल सिकनेस हमेशा बनी रहती है तो आप इसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों कॉकुलस इंडिकस यूज कर सकते हैं। आपको लेना है कॉकुलस इंडिकस 30, दो बूंद सुबह दो बूंद शाम को एक महीने तक लेना है लगातार और उसके बाद आपका ट्रेवल सिकनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ये मेडिसिन सभी होम्योपैथिक शॉप में अवेलेबल है, छोटे मोटे होम्योपैथिक शॉप में भी आराम से आपको कॉकुलस इंडिकस मिल जाएगी। हो सके तो आप डॉक्टर रैकबैक की लें या SBL की लें या WSI की लें दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ तो अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में भी जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जान सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर किसी तरह के आपके सुझाव या सवाल हो मोशन सिकनेस को लेके तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, मैसेज आप वहां पर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।